লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য দার্জিলিং এর সাংসদ হিসেবে জয়ী হয়েছেন রাজু বিস্তা। তাই শহরবাসীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে একটা বিশাল শোভাযাত্রার আয়োজন করে। তৃণমূল প্রার্থী গোপাল লামাকে হারিয়ে জয়ী হয়েছিল রাজু বিস্তা। শনিবার শিলিগুড়ি সফদার হাসমি চক থেকে শুরু করে সেবক রোড, হিলকার্ড রোড, বিধান রোড হয়ে শোভাযাত্রা শেষ করেন। এদিন এই শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক, কাউন্সিলর ও বিজেপি নেতৃত্বরা। सिलीगुड़ी के जनता का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नक्सलबाड़ी की जनता, पानी टंकी की जनता का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही फांसीदेवा खोरीबाड़ी की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। चोपड़ा की जनता का बहुत आभार। दार्जिलिंग, कर्सियंग, मिरिक और कालिम्पोंग की जनता का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दार्जिलिंग में लगातार एक सांसद दो बार चुनाव काउंसिलर आके बंगाल में जो भ्रष्टाचार है ये टीएमसी का मॉडल है। भ्रष्टाचार करना, डराना, धमकाना और जो है लोगों को आतंक करना, ये टीएमसी का मॉडल बन चुका है। और इस मॉडल के चलते टीएमसी का मनोबल और बड़ा है और इस बार इम्पोर्टेड वोट के कारण टीएमसी जीती है और उनका मनोबल बड़ा है। मैं 10 करोड़ पश्चिम बंगाल की जनता की ओर से भारत सरकार से निवेदन करता हूँ, भारत सरकार को तत्काल इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है अगर बंगाल को बचाना है। सर, पैरामिलिट्री को रोकना चाहिए, अभी भी रहना चाहिए स्टेट में जो स्थिति है? देखिए, अभी 18 तारीख तक तो है ही और जो अभी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, मैं अपने क्षेत्र चोपड़ा में भी देख रहा हूँ, आपने कूचबिहार का जिक्र किया, उत्तर दिनाजपुर में लोग जो है घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सेंट्रल फोर्स को रहना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली सेंट्रल फोर्स भी कब तक रहेगी? जब सरकार को पता है, हाईकोर्ट को पता है, सुप्रीम कोर्ट को पता है, जनता को पता है, एक सरकार बार बार जो है बदमाशी कर रही है, आतंक फैला रही है और लोगों को तंग कर रही है, तो ऐसे सरकार को रहने देना ही क्यों चाहिए? मेरा तो ये सवाल है, कब तक हम पुलिस फोर्स और आर्मी की तैनाती करके, सेंट्रल फोर्स की तैनाती करके लोगों को सुरक्षित रखेंगे, वो भी अपने देश में? हम पाकिस्तान में तो नहीं है, हम पश्चिम बंगाल में है। इसीलिए जो है भारत सरकार हम सबका गार्जियन है, भारत सरकार को, राष्ट्रपति को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। आखिर ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? मतलब पोस्टपोन वायलेंस में भी भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं? ऐसा है, हम भारत के नागरिक है, हमारे ऊपर भारत का कानून, भारत का संविधान चलता है, ममता का संविधान नहीं। इसलिए भारत सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए। अगर आपकी जनता मर रही है तो क्या भारत सरकार मुक्त दर्शक होकर देखती रहेगी?